हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे फाइंड द ऑप्टिमम वैल्यू ऑफ ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम बाय मोडी मेथड। मोडी मेथड मतलब मॉडिफाइड डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये कैसे मेथड अप्लाई किया है? एक्चुअली हम तीन मेथड से, जो हमारे पास तीन मेथड्स होते हैं, उन मेथड्स से हम इनिशियल बेसिक फिजिबल सोल्यूशन निकालते हैं। फिर हम ये सर्च करते हैं क्या इससे भी ज़्यादा कोई ऑप्टिमम सोल्यूशन मिल सकता है। अगर उसकी पॉसिबिलिटीज़ है तो ये चेक होता है मोडी मेथड और स्टेपिंग स्टोन मेथड में। तो लेकिन मोडी मेथड अप्लाई होगा कि नहीं होगा, उसकी एक सर्टेन कंडीशन है, हमें उन कंडीशंस को समझना होगा। तो वो कंडीशंस क्या हैं? कंडीशन ये है, तो उसके लिए हम बोलते हैं चेक फॉर नॉन डी जेनरेसी। तो मैं लिख देते हैं चेक फॉर नॉन डी चेक फॉर नॉन डी जेनरेसी कंडीशन। इसमें बच्चों ये होता है कि हमें देखना होता है कि कितने एलोकेशंस हैं। तो आप देख सकते हैं नंबर ऑफ एलोकेशंस कितने, 1 2 3 4 5 6, नंबर ऑफ ऑक्यूपाइड सेल 5 है। इन 5 जगहों पर हमने एलोकेशन किया हुआ है। तो और हम एक कंडीशन भी लगाते हैं, देखिए फर्स्ट हम कैलकुलेट करते हैं वैल्यू एम प्लस एन माइनस वन की। एम नंबर ऑफ रोज, एन नंबर ऑफ कॉलम। नंबर ऑफ रोज कितनी है, 1 2 3, 3 लिखेंगे, और नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, 1 2 3 4, 4 लिखेंगे, और उसमें माइनस कम कर देंगे और ये आ जाएगा आपका 6। और नंबर ऑफ एलोकेशन देखिए कितने हैं, नंबर ऑफ एलोकेशन भी आपके कितने, 6 6। अगर ये दोनों आपस में बराबर होते हैं तब हम ये कह सकते हैं कि ऑप्टिमलिटी टेस्ट इज सेटिस्फाइड। तो ये एक तरह का ऑप्टिमलिटी टेस्ट को चेक करने का तरीका है। तो हम यहाँ पर एक सिंपल सी एक बात लिखेंगे कि ऑप्टिमलिटी ऑप्टिमलिटी टेस्ट इज सेटिस्फाइड, इज सेटिस्फाइड। ऑप्टिमलिटी टेस्ट जो है वो कैसा हो गया, वो सेटिस्फाई होगा। कैसे, कि नंबर आप जो एलोकेशन होने चाहिए उतने ही एम प्लस एन माइनस वन की वैल्यू होनी चाहिए। अगर इनमें डिफरेंसेस आया तो फिर वो टेस्ट सेटिस्फाई नहीं होगा। इन दैट केस हम मोडी मेथड या स्टेपिंग स्टोन मेथड अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, इससे एक और चीज पता चलती है कि ये जो एलोकेशन है दीज आर इन इंडिपेंडेंट पोजिशन, इंडिपेंडेंट पोजिशन। इससे यहां पर हम लिख देंगे सो एलोकेशन आर आर ऑन इंडिपेंडेंट। अब ये डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट पोजीशंस क्या होती हैं, इसको भी हम लोग समझते हैं तभी ये चीज़ें क्लियर और अच्छी तरह से कर पाएंगे कि डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट पोजीशन का मतलब क्या है। देखिए जैसे हमने एक ये बताया, अक्सर ट्रांसपोर्टेशन का है और इसमें मैं कुछ लाइनें ड्रॉ कर दी, इधर हमने ये ड्रॉ कर दिया, ठीक है। इसमें कॉस्ट लिखी हुई थी, ठीक है, ये एलोकेटेड हैं, ये एलोकेशंस हैं। अब देखिए एक हमने ये एलोकेशंस हैं ये, और ये हमने बना दिया, ठीक है, दीज आर इंडिपेंडेंट पोजीशंस। और एक और बनाते हैं, बस इन्हीं दोनों से आपको ये आइडिया क्लियर होगा कि डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्या होता है। ये देखिए हमने बनाया। तो जब आप एलोकेशंस कर ले जाते हैं, अगर जहां से यहां से आपने एलोकेशन किया तो यहां से आप टर्न सी चलेंगे, और टर्न लेने के लिए जरूरी है कि आपका एलोकेशन होना चाहिए। यहां पर एलोकेशन, अब आप टर्न ले सकते हैं यहां से। टर्न के लिए कंपलसरी है क्या कि
टर्न हमेशा एलोकेशन से ही या ऑक्यूपाइड सेल से ही लिया जा सकता है। अब ये हम सीधे गए, सीधे जा सकते हैं, आप जंप कर सकते हैं, लेकिन अब यहाँ से कहाँ टर्न लें, अब तो जा ही नहीं सकते क्योंकि ना तो यहाँ एलोकेशन है ना तो यहाँ, तो ये यहीं पर रुक गया, यहीं पर स्टॉप हो गया। तो इसे हम बोलेंगे इंडिपेंडेंट पोजिशन, इंडिपेंडेंट पोजिशन। लेकिन यहाँ देखिए, यहाँ से हमने स्टार्ट किया, चाहे वो इधर जाए चाहे इधर, यहाँ से स्टार्ट किया, ये गया नीचे भी ले गए, फिर यहाँ से हम टर्न ले सकते हैं, भाई आगे तो है नहीं, इधर टर्न लिया ये, फिर हमने अब इधर जा सकते हैं, अगर इधर जाओगे, इधर अगर जाओगे तो फिर घूम के यहाँ जाओगे, तो सारे लोकेशंस को आप कवर नहीं कर रहे हो, हालांकि वो भी डिपेंडेंट पोजिशन ही रहेगी, लेकिन हम चाहते हैं कि सारे लोकेशंस को कवर करें। तो आप देखिए ये यहाँ गया, फिर यहाँ से हमने इसको इधर लिख दिया, फिर ये चीज़ यहाँ गई, और फिर ये चीज़ यहाँ आई, और अंत में हमने इसको यहाँ ज्वाइन कर दिया। तो इसको बोलेंगे हम नॉन इंडिपेंडेंट, मतलब डिपेंडेंट पोजीशन। जब एक लूप बन जाए, मतलब जो एलोकेशंस हों वो सारे एलोकेशंस एक दूसरे से मिल जाए, तो उसे हम बोलेंगे डिपेंडेंट पोजीशन, और ये है इंडिपेंडेंट। तो अगर आपको मोडी मेथड लगाना है तो ज़रूरी है कि वो पोजीशंस क्या हों, इंडिपेंडेंट हो, क्योंकि इंडिपेंडेंट होंगी तब हम एलोकेशन किसी भी दूसरी जगह शिफ्ट कर सकते हैं, जिससे कि हम कॉस्ट को मिनिमाइज कर सकते। लेकिन अगर डिपेंडेंट होगी तो हम शिफ्ट ही नहीं कर सकते। मुझे समझ आ रहा होगा कि आपको ये चीज़ें समझ आ रही हैं, सिंपल से इतना समझिए कि अगर ये लूप बन जाए तो वो पोजीशंस इंडिपेंडेंट पोजीशन कहलाती हैं, और अगर 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 ये लूप तैयार हो जाए, ये लूप जैसे बन गया, तो ये कहलाएगा इंडिपेंडेंट पोजीशन। देखिए कन्फ्यूज़न हो रहा है, फिर से इसको लेते हैं। अगर अगर लूप आपका नहीं तैयार होता है, यहाँ से आते ये देखिए लूप नहीं तैयार हो रहा है, तो लूप नहीं तैयार होता इसका हर कोई फ्री है एक दूसरे से, इंडिपेंडेंट। लूप तैयार हो गया, सबको एक दूसरे की ज़रूरत है साथ में चलने की, डिपेंडेंट। इसमें देखिए हर कोई फ्री है, इसका इससे कोई लेना देना नहीं है, तो दिस इज इंडिपेंडेंट। और कंडीशन क्या होनी चाहिए, इंडिपेंडेंट पोजिशन होनी चाहिए। जैसा कि आप देख पा रहे हैं इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में जरा गौर से देखिए इसमें कितने कॉलम बने हुए हैं। देखिए इस क्वेश्चन में गौर से हम पहले ये डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट को क्लियर कराएं। देखिए जैसे हमने ये बना लिया तब आपको और चीज़ समझ में, एक लाइन ये, दो लाइन ये, एक दो तीन लाइन ये, ठीक है, नीचे का कोई मतलब नहीं, हटा दीजिए उसको, एक दो तीन चार ये हो गया। अब पहला आपका देखिए ये यहाँ पे दिया है और एक यहाँ पे दिया हुआ है, फिर एक यहाँ पे दिया हुआ है, फिर ये। अब देखिए ये इंडिपेंडेंट पोजीशन है, कैसे हम यहाँ शुरू करते हैं, हमने यहाँ से चलना शुरू किया, लास्ट में यहाँ से टर्न लेंगे, यहाँ से टर्न, हम इधर भी जा सकते हैं और इधर भी जा सकते हैं, हम इधर आते हैं, यहाँ से आप टर्न लेंगे, लेकिन अब किधर जाएंगे आप, क्योंकि अब टर्न लेने के लिए इधर लेफ्ट और राइट नीड ऑक्यूपाइड सेल, बट देयर इज नो ऑक्यूपाइड सेल। आप यहां से अगर इधर टर्न लेते तो भी आप आके फंस जाते हैं, तो दिस इज द इंडिपेंडेंट पोजीशन। जब इंडिपेंडेंट पोजीशन होगी तभी मोडी मेथड अप्लाई होगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो हमने यहां लिख दिया लोकेशन आर ऑन इंडिपेंडेंट पोजिशन। अब हम इस क्वेश्चन में सबसे पहले निकालते हैं यू आई और वीजे की वैल्यू, यू आई और वीजे की वैल्यू। यू आई और वीजे की वैल्यू निकालने के लिए हमें यहां पर लिखते हैं स्टेप, हम यहां पर लिखेंगे स्टेप फॉर चेकिंग ऑप्टिमलिटी, फॉर चेकिंग ऑप्टिमलिटी। तो उसके लिए हम सी आई जे निकालते हैं, सी आई जे इज इक्वल टू यू आई प्लस वी जे। अब देखिए ये यू आई है और ये वी जे, इसीलिए इसको यू वी मैथड भी बोलते हैं। मोडी मेथड को क्या नाम देते हैं, यू वी मैथड। तो हम ये करते क्या हैं, जितने भी अनऑक्यूपाइड सेल हैं सबसे पहले तो यू आई वी जे को निकालेंगे और उसके बाद हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट निकालेंगे। ये जो सी आई जे दिया है ये 19, 8, 40, 60, 10 ये वैल्यू दे रखी है। आई का मतलब हो गया फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो। जे का मतलब हो गया फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फोर्थ कॉलम एंड सो ऑन। तो आप ये जान रहे हो कि
यू आई वी जे में कोई एक बार वैल्यू आपको आर्बिट्री मतलब जीरो लेनी पड़ेगी। अब जीरो हम किसकी लें, यू के लिए वी के लिए, तो उसके लिए आप ये देखिए कि किस लाइन किस रो या किस कॉलम में मैक्सिमम एलोकेशन हुआ है या मैक्सिमम ऑक्यूपाइड सेल है। तो आप देखोगे कि इस कॉलम में मैक्सिमम ऑक्यूपाइड सेल है तो हम यहाँ पर जीरो लिख देंगे। अब समझ आया होगा बच्चों क्यों लिखा हमने जीरो। जीरो लिखने का केवल एक कारण है और वो ये कि हम ये देखते हैं मैक्सिमम ऑक्यूपाइड सेल किस में, अगर दो में टाई हो जाए तो आप किसी भी एक में लिख सकते हैं, उसका कोई मैटर नहीं। अब ये जीरो हो गया। अब देखिए अब हम ऊपर चलेंगे तो चाहे जैसे हम यहाँ पे चलते हैं तो आप ये देखो यहाँ 10 है, मतलब सी आई जे की वैल्यू कितनी है 10 और वी आई जे की वैल्यू है 0, तो यू आई कैसे निकलेगा 10 माइनस 0 और तो ये आ जाएगा आपका 10। ये डायरेक्ट कर देना है आपको। फिर यहाँ ये 60, इससे मतलब नहीं है, इससे कोई लेना देना नहीं। 60 ये 60 की वैल्यू है, 60 इज इक्वल टू क्या लिखोगे 0 प्लस यू आई, तो यू आई कितना निकलेगा 60 माइनस 0, तो यहाँ आपका क्या जाएगा 60। फिर उसी तरह से ये आपका आ जाएगा 20। अब ये तो निकाल लिया, ये तो इसके हो गए। अब इनकी मदद से हमें आगे इधर ही बढ़ना, तो आप देखिए ये 60 है और ये 40 है, 40 इज इक्वल टू 60 और प्लस वी जे, तो ये कितना आ जाएगा आपको 40 ये आपका दे रखा है, 40 में ही था एलोकेशन, ऑक्यूपाइड सेल से भी चलना होगा तो उस केस में 40 करेक्ट है, 40 यहाँ लिखेंगे डिस्टेंस और 60 यू आई में लिखेंगे, 40 माइनस 60 गिव्स 20, माइनस का 20। अब यहाँ देख लीजिए 8 इक्वल टू, ये जो 8 है 8 इक्वल टू 20 प्लस वी जे, तो ये आ जाएगा माइनस का 12। और यहाँ आ जाते हैं 5 इक्वल टू 10, तो ये आ जाएगा माइनस, ये है सॉरी 19 इक्वल टू 10 प्लस वी जे, तो 19 में से 10 को माइनस कर देंगे और ये आ जाएगा आपको 9। तो आपने इस प्रकार से यू आई ओ वी जे की वैल्यू कैलकुलेट कर ली। लेकिन अभी ये क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, अब हम कैलकुलेट करते हैं इसमें अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इसमें कैलकुलेट होती है डियर स्टूडेंट्स अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आप जानते ही, जैसे सारे रिसोर्सेज एक में हमने इम्प्लीमेंट किए, क्या कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी है कि अगर वही रिसोर्सेज दूसरे में इम्प्लीमेंट करें तो हमारी कॉस्ट कम हो जाए और प्रॉफिट बढ़ जाए, इसी को बोलते हैं अपॉर्चुनिटी। तो यहाँ हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट निकालते हैं, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और दैट इज डी आई जे। तो डी आई जे का फॉर्मूला होता है और हमेशा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट डी आई जे कैलकुलेटिंग फॉर नॉन ऑक्यूपाइड सेल। जो नॉन ऑक्यूपाइड सेल हैं, जो एम्प्टी सेल हैं, एम्प्टी मतलब जिनको हमने एलोकेशन नहीं दिया है, उनमें हम अब उनके लिए हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट निकालते हैं। तो आप यहाँ देखिए कितने 6 तो आपके ऑक्यूपाइड सेल थे, लेकिन इसके अलावा ये 70-40 अनऑक्यूपाइड हैं, तो हम इन सबके लिए डी आई जे की वैल्यू निकालेंगे। और इसका फार्मूला होता है डी आई जे इज इक्वल टू सी आई जे माइनस यू आई प्लस वी जे, बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला। अब आप देखिए सबसे पहले कॉलम कॉलम को या रो रो को आप देखिए, उसका कोई वो नहीं है, तो आप चाहें तो पहले कॉलम कॉलम को या रो रो को देख, तो हम पहले रो रो को ही चेक कर लेते हैं। तो पहला रो देखिए 30, तो ये कहलाएगा आपका डी 1 2, पहला रो दूसरा कॉलम डी, इसके लिए वैल्यू कितनी होगी, देखो सी आई जे कितना है, सी आई जे का मतलब तो हो गया 30 माइनस, इसके लिए ये माइनस 12 है, ये 10 है, इन दोनों को ऐड कर देंगे आएगा माइनस का 2, लेकिन जब बाहर आएगा तो हो जाएगा प्लस का 2 और ये हो गया 32, तो ये आपका बना, एक सेकंड इसको चेक करते हैं, माइनस का हाँ माइनस का 12 ये है और 10 माइनस का 2 आया, माइनस का 2 और इसके साथ ऐड हो जाएगा तो ये आ जाएगा 32। ठीक है बच्चों, इसमें कोई डाउट हो तो
कैलकुलेशंस को आप जरूर एक बार चेक कर ले, क्योंकि कैलकुलेशंस जो होते हैं उनमें प्लस माइनस का डिफरेंस, वैसे मैंने ये क्लियर कर लिया, चूंकि यहाँ पर माइनस 12 है और यहाँ पर हमारे पास 10 है, इन दोनों को ऐड अप करेंगे माइनस 2 आएगा, बाहर ही माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और थर्ड फिर अगला देखिए, इसी में D13 के लिए यहाँ पर कितना दिया है 50 माइनस 20 और प्लस 10, तो माइनस का 10 आएगा, माइनस 10 प्लस का 10 बन जाएगा और ये हो जाएगा 60। फिर आगे हमें बढ़ने की जरूरत नहीं, अब यहाँ पर आ जाएंगे तो ये लिखा है D21। देखिए सेकंड रो, अब देखिए इसमें क्या लिखा है, ये सेकंड रो है, ये सेकंड रो है और फर्स्ट कॉलम है, इस आधार पे हमने यहाँ पर D21 लिखा। तो D21 की जो वैल्यू है वो अगर आप देखें तो क्या लिखेंगे, तो ये बहुत ही आसान है, अगर आप इसको करना चाहें तो बड़ी आसानी से कर सकते हैं, इसकी वैल्यू को निकाल सकते हैं, या अभी हम इसको अगले पेज पे भी दिखा देंगे कैसे निकाली जा रही वैल्यू, या आपको यहाँ पर एक बार फिर से दिखा देते हैं। D21 ये 70 है, ये 70 है बच्चों, ये 70 है, 70 इक्वल टू क्या लिखेंगे, माइनस 9 प्लस 60, तो 9 प्लस 60 हो जाएगा 69 और वो 70 में से क्या हो जाएगा, घट जाएगा, तो हम लिख देंगे 70 माइनस 69 गिव्स 1। और इसी तरह से अगला देखिए क्या है, ये D22 है, D22 इसके लिए हम निकालेंगे 30 माइनस 48 इक्वल टू माइनस 18 और इसी तरह से आ जाएगा D31 इक्वल टू 40 माइनस 29 इक्वल टू 11 एंड लास्ट D33 70 माइनस 0 इज इक्वल टू 70। तो इस तरह से हमने ये सारी वैल्यूज निकाल ली अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, अगर ये इसमें सबकी सब प्लस आती तो कोई दिक्कत नहीं होता, लेकिन इसमें देखिए एक वैल्यू आपकी माइनस में आई, माइनस ये वैल्यू ये बता रही है, ये है D22 के लिए, मतलब इस 30 के लिए ये माइनस वैल्यू ये बता रही है कि अगर आप इस सेल में एक यूनिट एलोकेशन करेंगे, इस सेल में अगर एक यूनिट एलोकेशन करेंगे, D22 ये है ना, इस सेल में अगर एक यूनिट एलोकेशन करेंगे तो आपका 18 रुपीज टोटल कॉस्ट में कम हो जाएगा, ये इसका मतलब हुआ। अगर आपका दो जगह माइनस में आता तो हम उसे चुनते जिससे जो हाईएस्ट मिनिमम वैल्यू होती, क्योंकि हम तो यही चाहेंगे कि हमारी कॉस्ट बहुत ज़्यादा कम हो, तो यहाँ एक ही में, तो इसका मतलब अभी हमारे पास ऑप्टिमलिटी का केस नहीं बना, अभी हमें फिर आगे प्रोसीड करना पड़ेगा। तो उस इसके आगे का क्या कैलकुलेशन होगा इसको हम अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।